एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। आधा काम निपटा लेने के बाद अब आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। जी हाँ, और आज नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे, जो कि यहाँ पे मैंने गोभी के स्टफिंग तैयार कर दी है। यहाँ पे मैंने पेड़ा बना के रख दिया है। अब फटाफट से इसे भरेंगे, देन सेकेंगे और आज खिलाते हैं हम सबको गोभी के पराठे। तो चलिए, बिना बकबक किए हुए सबसे पहले हम लोग अपना पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं, है ना। लो जी, मेरा पराठा ऑलमोस्ट बन चुका है। आपको मेरा पराठा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं नॉर्मली जो पराठा बनाती हूँ उससे थोड़ा ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो स्टफिंग दिखाई थी, मुझे 5 पराठे में भरनी थी और मैंने इतनी ज़्यादा स्टफिंग भरी है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने एकदम भर भर के गोभी इसमें भरा है। आप मुझे पहले अगर बोलते ना कि अगर आलू का पराठा बनाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता, क्योंकि पहले मुझसे भरता ही नहीं था, बट अब मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ। ये देखिए, एकदम कड़ाकेदार पराठे। अब मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मैं कोई भी स्टफिंग जो है वो अच्छे से भर लेती हूँ, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा पराठा है, तो मैं आपको बता दूँ, ये पराठा नहीं है, ये रोटी है। मेरे सुपुत्र जो हैं उन्हें रोटी चाहिए। इसमें थोड़ा सा अजवाइन और कलौजी मैंने डाला था आटे में, वो रह गया है, पर कोई नहीं, वो खा लेगा, तो उसे रोटी खाना है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो उनके डिमांड्स भी जो है वो बढ़ने लगते हैं, और वो डिमांड आपको ना चाहते हुए भी पूरे करने पड़ते हैं। एक्चुअली कल रात को उसने बोला था कि वो चीनी पराठा खाएगा, तो मैंने उसके लिए चीनी पराठा बनाया था, और अभी उसे रोटी खाना है। और अगर मैं रोटी ना बनाऊँ ना, पराठा बना के दो दूँ, तो इतना डायलॉग मारेगा ना कि आपको हंसी बहुत ज़्यादा आएगी। तो मैंने बोला ना भाई, चलो उसके लिए पराठा नहीं रोटी ही बना देती हूँ मैं। वो जो बोल रहा है कुछ तो खा ले, क्योंकि आपको तो पता है उसे खिलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मुझे ना नखरा करता है ना खाने में, क्या ही बताऊँ मैं उसे। तो बस मेरा नाश्ता कंप्लीटेड है। मैंने सोचा है आज कुछ बनाने के लिए, अगर मैं कुछ बनाती हूँ जो सोचा है, तो उसकी रेसिपी फॉर श्योर आपको दिखाऊँगी। मैं नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बिजी शेड्यूल जाने वाला है या फ्री रहूँगी। तो अगर घर पे रहूँगी, फ्री रहूँगी, तो पक्का मैंने जो सोचा है वो मैं बनाऊँगी, तो आपको दिखाऊँगी भी फटाफट से। वैसे नाश्ता हो बन गया है, तो मैं फटाफट से नाश्ता करा देती हूँ सबको, उसके बाद देखती हूँ कैसे क्या होता है, फिर आपको बताएँगे। सारा काम डन हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ इमली की खट्टी मिट्टी चटनी बनाने के लिए। इसे बना के मैं स्टोर करके रखने वाली हूँ। रीज़न क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो फिलहाल मैंने सोचा कि जब जो चटनी बना ही रहूँ, तो क्यों ना उसकी छोटी मोटी, मतलब रेसिपी पूरी नहीं, मतलब हाँ जो भी हो जितना हो पाएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इमली को गर्म पानी में, मतलब आधे घंटे के लिए भिगा के रख दिया है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक सेकंड, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इमली ले लिया है, इसको एकदम गर्म पानी में मैंने आधे घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया है। और अब मैं इसको क्या करूँगी कि अच्छे से इसमें मैश करूँगी, ठीक है, इसको अच्छे से मैश करूँगी। और मैश करने के बाद मैंने यहाँ स्ट्रेनर रखा है, मैं इसमें छानूँगी और इसका जो सारा पल्प है वो निकाल लूँगी अच्छे से स्ट्रेन करके। उसके बाद क्या है आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने अच्छे से निचोड़ के स्टेनर में छान के, थोड़ा गाढ़ा था तो मैंने पानी डाल के थोड़ा पतला कर लिया है, और सिंपली कढ़ाई में इसे डाल दिया है। अब इसे स्टर करते हुए हम चलाएंगे और थोड़ा ठीक होने देंगे। उसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे एंड दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं डालने वाली हूँ। अगर आप थोड़ा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, अगर आप थोड़ा कलर डालना चाहते हैं तो फूड कलर डाल सकते हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं सिंपली ये मीठी चटनी इमली की बनाने वाली हूँ, इसलिए तो इसे उबलने देते हैं। हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई है। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए और चीनी डाला है बस, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। ये आई थिंक इतनी थिक बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा मैं इसे थिक नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ठंडा होने के बाद ये थिक हो ही जाएगी। तो बस मैं अब फ्लेम को ऑफ करती हूँ, और ये हमारी इमली की जो चटनी है आप देख सकते हैं, ये अच्छे से पलटे पे आ जा रही है, तो रेडी है, गाढ़ी बनी है, अच्छी से बन गई है। बस अभी से हम लोग
थोड़ा ठंडा होने देंगे, देन हम इसे साइड कर देंगे, है ना। मेरी चटनी जो है इमली की वो मैंने बना ली है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। मैंने फ्लेवर के लिए कुछ भी नहीं डाला है, इमली का अपना जो ओरिजिनल खुशबू है वही है। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डाल देने की वजह से बहुत अच्छा आया है। अब टेस्ट कैसा है वो मुझे नहीं पता, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद करके पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं। तो इसे मैं फ़िलहाल ठंडा कर लेती हूँ और उसके बाद जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और ये इमली की चटनी मैंने कुछ स्पेशल डिज़ाइन के लिए बनाई है, और क्यों बनाई है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का बताऊंगी, क्योंकि बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और ये शाम का डिनर मैं बना रही हूँ। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक नई रेसिपी जो है वो आपको बताने वाली हूँ। तो बस मुझे अभी शाम को टाइम मिला है, एटलीस्ट कम से कम टाइम तो मिल गया कि मैं ये रेसिपी बनाऊँ। मैंने यूट्यूब पर इस रेसिपी को देखा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पर ट्राई किया जाए। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको रेसिपी भी दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो मैंने सिंपली तेल डाला है, उसमें जीरा और खड़े मसाले और तेजपत्ता डाल के उसे भूना है और प्याज को डाल के ब्राउन कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो डाला है, दो तीनों जो पेस्ट है वो डेढ़ डेढ़ चम्मच है। उसको अच्छे से भून लेने के बाद मैंने यहाँ पे फ्रेश कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया, लेकिन उस वीडियो में बता रहा था कि इस पॉइंट पे कड़ी पत्ता और धनिया का पत्ता जो है वो डालने से स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे ये डाला। और इसको अच्छे से थोड़ा भून लेने के बाद मैं इसमें अपना चिकन जो है वो ऐड कर दूँगी। चिकन को हाई फ्लेम पर मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से भुना है, और मैं सच बताऊँ मैं खुद दूसरे की वीडियो देख के ये रेसिपी बना रही थी तो मैं थोड़ा बहुत डर भी रही थी कि पता नहीं कैसा होने वाला है, बट मैंने बोला कि चलो यार ना ट्राई करने से अच्छा है तो ट्राई कर लेते हैं। जब उसमें दिखा रहा है कि इतना ईजी है बनाना तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाता है ना, और वैसे भी कोई भी चीज़ पहली बार तो करना ही पड़ता है। तो मैंने भी कोशिश की कि चलो बनाते हैं। 5 मिनट मैंने अच्छे से चिकन को भुना है, अब तेल देख रहे होंगे साइड में छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टमाटर डाला है, उस वीडियो में उसने 2 टमाटर डाला था, बट मेरे यहाँ खट्टा कोई उतना नहीं खाता है तो मैंने एक ही टमाटर डाला था। मसाले में मैंने 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। वैसे इसमें हल्दी तो नहीं जाती है बट मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। और इसमें डाला है मैंने चिकन मसाला 1 चम्मच। इसको अच्छे से मतलब मीडियम लो फ्लेम पर भून लेंगे 5 मिनट के लिए हम लोग। और यहाँ पे मैंने जो बिरयानी के लिए इंडिया गेट राइस होता है उसे पहले से ही मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैंने इसे अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था ताकि चावल जो है वो अच्छे से खुल जाए। तो इसलिए चावल और ज़्यादा क्वांटिटी में आपको दिख रहे होंगे क्योंकि 1/2 घंटे से ऊपर फूल रहे थे। उसके बाद मैंने चावल को इसमें अच्छे से मिलाया है और 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे भून लिया है। और पानी मैंने यहाँ पे चावल 1.5 कटोरी ली थी तो पानी मैंने 3 कटोरी डाला है। इस तरीके से खुले में मैंने चावल कभी बनाया नहीं था, बट मैंने बहुत बार देखा है कि जितना आप क्वांटिटी राइस लेते हो पानी उसका डबल डाला जाता है, तो मैंने भी वही टेक्निक इसमें इस्तेमाल की थी। और मैंने ऊपर से फ्रेश धनिया पत्ता डाल दिया था, वैसे तो इसमें पुदीना का पत्ता डालने के लिए बोला जा रहा था बट मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और मैं नमक डालना भूल गई थी वीडियो बनाते बनाते, जैसे कि आपको पता है कि अक्सर गड़बड़ हो जाती है, तो मुझे तुरंत याद आया तो मैंने फिर उसमें नमक डाला और अच्छे से मिलाया। और इसे ढक के मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 15 मिनट मोस्टली पकाया होगा, और उसके बाद हमारा पुलाव रेडी। 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाने के बाद कुछ ऐसा चावल दिख रहा था, तो मैंने उसमें देखा था कि उसने 1 चम्मच घी भी बोला था लास्ट में डाल देने के लिए ताकि अच्छी सी खुशबू आए और चावल जो है वो और खिल के आए। तो मैंने भी वो प्रोसेस यहाँ पे ट्राई किया है और घी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से ढक दिया है 10 मिनट के लिए। और ये हमारा पुलाव स्टीम आप देख सकते हैं, इतना अच्छा पुलाव बन के रेडी है, चावल भी बिल्कुल खिले हुए हैं, एकदम खिले हुए, आप देख लीजिए। वाह, तो पहले मैं इसे टेस्ट करूंगी उसके बाद आपको फर्स्ट बाइट, फर्स्ट टाइम बनाया है, आई डोंट नो कैसा बना है, ट्राई करते हैं।
नमक ना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे पहली बार में इतना ज़्यादा। आप चावल आप देख लो, इतने खिले हुए चावल, इतने चावल खिले हुए हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे राइस बनाया है, परफेक्ट, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। पुलाव, बिरयानी, ये सारे नाम हम लोग सुनते हैं ना तो हम लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, और पर्सनली मेरा भी यही मानना होता है। इसलिए मैंने कभी मतलब घर पे बनाने का झंझट ये सब नहीं लेती थी। बट मैंने YouTube पे ये रेसिपी देखी और मैंने सोचा यार इतना ईजी है और इतना अच्छा बन सकता है तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो मैंने ये बस तुक्का मारा, बेटा खिला रहा, बस तुक्का मारा एंड ट्रस्ट मी इट वॉज डिलीशियस। अगर आपको भी बिना मेहनत के अच्छे से पुलाव फ्रेश घर पे बनाना है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप निराश नहीं होंगे। तो होप आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो। ये रेसिपी ब्लॉग भी हो गया जनरली, तो इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे भी डाल दूँगी। और मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा बाय।